हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपके पास जो टॉपिक आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का है वो है विस्कोसिटी। अभी तक आपने जहां तक स्टडी किया है उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स का ये जो टॉपिक है विस्कोसिटी, इससे रिलेटेड मैंने आपको इसकी फिगर भी दिखाई थी जिसमें विस्कोसिटी की कंडीशंस दिखाई थी कि कौन कौन से लिक्विड आपके लिए विस्कस होती है। जैसे मैंने बताया था वहां पे हनी है, ग्लिसरीन है, सॉस है, ये सब क्या है विस्कोसिटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे आपको विस्कोसिटी को सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उसे डिफाइन कैसे करना है। तो आइए, आपके पास क्वेश्चन जैसे रहता है कि व्हाट इज विस्कोसिटी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे विस्कोसिटी को कैसे आप डिफाइन करोगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है इसमें। लिक्विड भी आप कंसिडर क्योंकि फ्लूइड दैट मीन्स विच कैन फ्लो, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले। क्योंकि जब एक लेयर दूसरे लेयर पे फ्लो करता है तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे आपको देखने को मिलता है कि एक दूसरे के बीच रिलेटिव फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है, जिसके कारण वो रिलेटिव मोशन क्यों होता है, एक दूसरे लेयर के फ्रिक्शन के कारण होता है। कम्स इन टू प्ले व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन एंड विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं और कैसे वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में और कैसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता है मोशन को, वो भी यहाँ पे हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। आइए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये एक फिक्स्ड सरफेस ले लिया है, ये देखो आप सबसे लोअर जो सरफेस है वो आपका एक फिक्स्ड सरफेस है और इस फिक्स्ड सरफेस पे जो लिक्विड यहां से फ्लो कर रही होगी इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली जो इसके कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी। इसके बाद इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इस फिक्स्ड सरफेस से, जैसे जैसे लिक्विड की फ्लो ऊपर जा रही है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे मैक्सिमम जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस पे होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे मतलब आप देखो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये है इस फिक्स्ड सरफेस से, तो ऑब्वियस सी बात है इस मैक्सिमम लिक्विड की जहां पे फ्लो देखने को मिल रही है इस जगह पे वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लिक्विड के इस लेमिनार फ्लो की, क्योंकि हर लेयर्स हैं, ये जितनी भी लेयर्स हैं उसकी एक लेमिनार एक सरफेस है, उसकी यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी क्योंकि ये फिक्स सरफेस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। और इस चीज में मैंने जो दिखाया है ये हर एक लेयर्स ये सरफेस लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये टॉप का सरफेस लेयर्स है, सबसे टॉप पॉइंट का है, तो इसलिए सरफेस लेयर्स मैं इसको लिख देता हूं, ये है सरफेस लेयर्स। अगर मैं मान लूं कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए और बी इस दोनों में अगर आप देखोगे तो बी जो है बी के ऊपर ए का फ्लो हो रहा है ना, आप देख सकते हो द अपर फास्ट मूविंग लेयर्स ए, अपर फास्ट मूविंग लेयर्स ए दिस वन ओके tends to accelerate the lower slow moving layers, जो कि B की जो layers है ये इसकी velocity थोड़ी कम है तो इसके ऊपर upper fast layer जो है A move कर रहा है, और ऐसे केस में slow moving layers B जो है वो क्या दिखाएगा, वो एक retardation की property को दिखाएगा। तो B tends to retard the fast moving layers A, B क्या कर रहा है fast moving A में रिटार्डेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, एक बैकवर्ड ड्रैगिंग टेंजेंट फोर्स यहां पे एक्ट करेगा। तो बैकवर्ड टेंजेंट फोर्स जो ड्रैगिंग टेंजेंट फोर्स है ए और बी के बीच वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसको आप लिखोगे एफ, ये आपका है ए और बी लेयर के बीच बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो ए के एक्सलेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बी के साथ ए टच में है, ये बी लेयर के साथ ए लेयर टच में है और इसके कारण इस दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन होती है और रिलेटिव मोशन के कारण एक फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मोशन चूंकि राइट डायरेक्शन में है इसलिए फ्रिक्शन जो है आपका वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, और ये टेंजेंशियल फोर्स भी कहा जाता है इसको, इसलिए इसको विस्कस ड्रैग फोर्स भी आप बोलते हो। तो एफ जो है यहाँ पे आपका F एक विस्कस ड्रैग फोर्स है। यहां पे मैं लिख देता हूं विस्कस ड्रैग फोर्स ओके। जो ये विस्कस ड्रैग फोर्स क्या करता है,
तो ये डिस्ट्रॉय करता है रिलेटिव मोशन को, राइट? एंड टू मेंटेन द मोशन एन एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू ओवरकम द बैकवर्ड विस्कस फोर्स। तो ये चीजें होती हैं यहां पे आपको, ये आप जितनी भी लेयर्स यहां पे देख रहे हो सब एडजेसेंट लेयर्स हैं ऑफ अ लिक्विड इन मोशन। हर एक लेयर के साथ जो मैं ए और बी के साथ दिखा रहा हूं, वही आपके एक्स और वाई लेयर्स के साथ भी सेम फेनोमेना होगा। और बीच में जो फोर्स लगेगा वो विस्कस ड्रैग फोर्स टेंजेंशियली इसके अपोजिट साइड में लगता हुआ आपको हमेशा दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने जो कॉज ऑफ विस्कोसिटी है, ये क्यों होता है, एक लेयर्स के ऊपर दूसरे लेयर्स के फ्लो होने के कारण होता है, रिलेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है और एक फ्रिक्शन दिखाता है। इनफैक्ट इन शॉर्ट अगर आप कहोगे तो जो सरफेस पे, एक सरफेस पे दूसरे सरफेस जब मोशन करता है तो वहां फ्रिक्शन होता है सॉलिड के केस में। तो उसी तरह से लिक्विड के केस में, एक लिक्विड लेयर के ऊपर अगर दूसरा लिक्विड लेयर फ्लो कर रहा है तो यहां पे भी लिक्विड के फ्रिक्शन को विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है।